आज के डिनर में हम हेल्दी खाने वाले हैं, जिसका मतलब है बढ़िया सलाद। खीरा मत भूलना, मुझे बहुत पसंद है, मैं सब खाने वाली हूँ। तो चलो। आउच! ये क्या है? मेरे हाथ में लकड़ी चली गई। मुझे इसे बाहर निकालना होगा। ये काम नहीं करेगा, है ना? नहीं, ये बुरा आइडिया था। एक शॉट ब्लास्ट, यहाँ और कुछ होना चाहिए। माचिस, मुझे ट्राई करना चाहिए, है ना? लिली जैसे अगर आपके भी हाथ में ऐसा हो गया है तो एक माचिस लें और इसे जलाएं। उसे शॉट ग्लास के अंदर हीट अप करने के लिए लगाएं। जब आग बंद हो जाए तो ग्लास को चोट वाली जगह पर लगाएं। ये निकल गया, देखो, और दर्द भी नहीं हुआ। और अब मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करूंगी, अब से मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। एकदम स्मूथ। ये रेस्टोरेंट हमेशा से बढ़िया है, बस मैंने अपना मेकअप खराब ना किया हो। मैं बिल के बारे में तो भूल ही गई। काश मेरे पास हो, शायद मेरा कैश यही हो। लिली, तुम्हारे पैसे। मैं कितनी पागल हूँ, मेरे आजकल में पैसे जरूर घूमेंगे। एक सेकंड रुको, ये मैग्नेट्स मजबूत है ना? और शायद ये मेरी परेशानियों का हल है। अगर आपके पास खुले पैसे हैं, तो इनके ऊपर इस तरह मैग्नेट्स रखें और डक टेप लगा दें। एक और नोट रखें और फोल्ड कर दें। बूम! ये पैसे अब कहीं नहीं जा रहे, लेकिन कुछ तो इस बिल को भरने के लिए जा रहे हैं। चीजें संभालना अच्छा लगता है ना? आज बहुत ठंड है, थोड़ी सी आग लगा दोगे? मैं वही कर रहा हूँ, अब बस ऑक्सीजन चाहिए। रुको, ये जलने ही वाली है, साफ पता लग रहा है। मुझे थोड़ी और फूंक मारनी होगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जेरेड, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने मेरे चेहरे पर पानी से थूका? हाँ, तुम बेहोश हो गए थे। सुनो, सांस लो। हाँ, वैसे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। इसके लिए मुझे दो प्लास्टिक बॉटल चाहिए, एक दूसरे में इस तरह फिट हो जाएगी ताकि बेलोस बन जाए। देखा, अब और फूंक नहीं मारनी पड़ेगी। देखो जेरेड, ये काम कर रहा है। हाँ, क्या काम कर रहा है? ओ, देखो, आग। नहीं, ये मैंने जलाई है। अब मुझे गर्मी लग रही है। हे यमी, यहाँ। मैं आ रही हूँ दोस्त। वाओ! याइक्स! इससे तो दर्द हुआ होगा। यहाँ पे कोई वार्निंग साइन या कुछ होना चाहिए था। ये बहुत चुभ रहा है। ये तो बहुत गहरा है। ये जितना दिखता है उससे ज्यादा बुरा है। एमी, इस पर मेरा एंटी परस्पिरेंट डाल कर देखो, शायद इसे ट्राई कर लेना चाहिए। बस इसके ऊपर रोल करो। हे, इससे तो जला भी नहीं। हे दोस्त, नहीं, वहां से मत आना। ओ, वो गिर गई। एक और को लग गई। चलो, दिन को बचाएं। तो चलें। चलो चलें। हाइकिंग करें। टाटा, कितना सुंदर लेक है। मैं गिर रही हूँ। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं डूब रही हूँ। जेरेड, मदद करो। बेटी, रुको, मैं तुम्हें बचाता हूँ।
पानी बहुत ठंडा था। ओह, तुम तो बहुत गीली हो गई। देखो मेरी बूट्स में भी पानी भर गया। सुनो, तुम्हें गीले कपड़े उतारने होंगे, इससे ही तुम्हें बेहतर लगेगा। हाँ, पर मुझे अभी भी ठंड लग रही है। रुक जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं आग लगा देता हूँ। माचिस कहाँ है? हम गीली माचिस से आग नहीं लगा सकते जेरेड। खैर, फिर हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक रैप, ये काम करेगा। ठीक है, इतनी ठंड लग रही है कि मैं कुछ भी ट्राई करने को तैयार हूँ। मैं तुम पर पूरा रैप कर देता हूँ, ये पक्का मदद करेगा। हम तुम्हारा टॉर्सो कैसे भूल सकते हैं? हाँ, अब बस आगे से काटना है। देखा, अब तुम्हारे पास एक प्लास्टिक रैप जैकेट है। वाह, इससे तो मुझे गर्माहट मिल रही है। मेरा हीरो। गर्मियों में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हे स्टीवन, तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए। ओह हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये बेवकूफ मच्छर। ओह, लगता है मुझे इसने काट लिया। जरा इसे देखो, ये मच्छर हमेशा मुझे ही क्यों अटैक करते हैं? स्टीवन, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मच्छर बिल्कुल तुम्हारे सर पर बैठा है। लिली, यह क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है हमें कोई जिंदा खाने वाला है, और ये बहुत से रास्ते पर है। हम इनसे दूर कैसे हो सकते हैं? भागो! हम बाहर कैसे बैठ सकते हैं? और मुझे बहुत ज्यादा मच्छर काट गए। ये तो तब से भी बुरा है जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। गर्मियों में ऐसा ही होता है। जरा इसे देखो। ओ नहीं! हे, मेरी टूथपेस्ट। कैसे, हमें थोड़ी शांति मिलेगी? चलो ट्राई करें। बस थोड़ी सी टूथपेस्ट इसके ऊपर लगाएं। हाँ, सबके ऊपर। ये तो भूल ही गई थी। तुम्हें सही में लगता है ये काम करेगा लिली? तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? मैं तुम्हें ये प्रूव करूंगी। बस थोड़ी सी यहाँ पर और खारिश रुक गई। ठीक है, और बस कुछ ही मिनटों में वो बाइट चली गई। वाह, क्या डॉक्टर्स को ये ट्रिक पता है? मैंने तुम्हें कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो। अब हम दोबारा बाहर जा सकते हैं, इन निशानों की परवाह ना करते हुए। हमें राशन की लिस्ट में टूथपेस्ट और लिखनी होगी। मैंने तुम्हारे लिए 2 हफ्ते इंतजार किया, और हम अच्छा समय बिताने वाले हैं। नए जूते पहनना बहुत अच्छा लगता है ना? पार्क से लेकर मॉल तक आप उन्हें हर जगह पहनते हैं, लेकिन ये प्राइस के साथ आता है। हे एमी, ओहो, ये नए जूते मुझे तंग कर रहे हैं। देखो, ओह, ये बुरा है। मेरे पास है। अपने नए बेस्ट फ्रेंड को हलाओ कहो। इसकी बस एक स्ट्रिप तुम्हें चाहिए। हे, मैं इसे ट्राई करूंगी। यहाँ, ये काम करेगा। चलो देखते हैं। हाँ हाँ, अब इन लड़कियों को कोई नहीं रोक सकता। बीच टाइम। चलो चलिए, पकड़ो। तुम बहुत अच्छे से भाग रहे हो, और बॉल उछालो। बीच वाली सेल्फी। आह, बहुत तेज धूप है। ओह, सब बहुत दुख रहा है। मुझे मत छुओ। मुझे भी सनबर्न हुआ है। अब हम क्या करें? रुको, मुझे पता है क्या करना है। हमारे पास एलोवेरा प्लांट है, हम उससे अपना सनबर्न ठीक कर सकते हैं। मैं चाकू से इसे बीज से काट दूंगा। अरे वाह, इतना सारा एलो जेल।
चम्मच से इसे इकट्ठा कर लेते हैं। बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह। अब इसे ब्लेंडर में डालेंगे, ढक्कन लगा दो, अब इसे ब्लेंड करो। हो गया, ज्यादा नहीं करना, ये लिक्विड ही है। तो अब हम इसे क्यूब ट्रे में डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक और स्टेप है, इसे फ्रीज करना है। एलो आइस क्यूब्स तैयार है। हाँ देखो, इधर देखो, ये काफी कूलिंग और हीलिंग है। एलो इसीलिए होता है। देखो मेरी त्वचा अभी से कितनी बेहतर है। अरे वाह, मुझे भी दो, हमारे पास पूरी ट्रे है, तुम लो ना। हे मेरे भगवान,